के बारे में बताइए, क्योंकि फैंस काफी टाइम से पीछे पड़े हुए सस्पेंस के बारे में जाने। आई थिंक मोर देन सस्पेंस, वो जो इमोशन और एहसास है उसकी बात करते हैं हम। कल 6 जनवरी 2021 को हम एक बहुत ही कल एक कायरा एक एहसास, कल 6 जनवरी 2021 को एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है रिश्ता कहलाता की जर्नी में, डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन की जर्नी में, कायरा की जर्नी में, शिवानी और मोहसिन की जर्नी। आई थिंक एक जर्नी है, आई थिंक 4.5 साल और आई थिंक टुमारो 6 जनवरी कम्प्लीट 1226 एपिसोड ऑफ कायरा एंड कुछ दिनों में 300 एपिसोड्स ऑफ रिश्ता कहलाता है एंड और 12 जनवरी हम लोग कम्प्लीट करेंगे 12 साल ये रिश्ता का कहलाता। सो आई थिंक ये जो एक जोड़ी और एक जो एक स्पेशल बॉन्ड एंड एक एहसास है कायरा का, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड से कल गुजरेगा। सो वी वॉन्ट टू से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू द मीडिया, एवरीबडी फॉर सपोर्टिंग कायरा, सपोर्टिंग डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन, सपोर्टिंग ये रिश्ता कहलाता। सो थैंक यू गाइज सो मच, आप लोग हमारे एक वो है नो वॉइस टू एवरीबडी एंड थैंक यू फॉर बींग सो सपोर्टिव थ्रू आउट एंड टू ऑल ऑफ यू फॉर रिश्ता कहलाता है फॉर कायरा एंड ऑफ कोर्स मेनली टू द फैंस एंड टू द व्यूअर्स, उन्होंने इतना प्यार दिया है कायरा को, सपोर्ट ट्रस्ट किया है हमारे विजन को और शायद थोड़ी नाराज़गी हो, सारे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बट हैव फेथ इन अस। एक टीम है जो बहुत मुश्किल से, एज अ प्रोड्यूसर मैं बोलना चाहूँगा दैट इट्स नो लॉन्गर बींग अ प्रोड्यूसर, इट्स बींग पार्ट ऑफ द इंटायर टीम। बहुत अरसे के बाद आपको मज़ा आता है एज ए इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन काम करके, दिस टू ब्यूटिफुल ह्यूमन्स जो मुझे इंस्पायर करते हैं, मुझे अगेन ह्यूमिलिटी सिखाते हैं एंड हाउ टू अप्रिशिएट एंड टू थैंक गॉड एंड टू थैंक द इंटायर टीम कि इतनी मेहनत करो। एंड मेरे हिसाब से जैसे मैंने हमेशा कहा है कि नॉट ओनली मेरे करियर का बट आई थिंक मेरे लाइफ की जो बेस्ट जोड़ी है वो कायरा है, वो शिवानी मोहसिन है, कार्तिक नायरा है एंड आई नो कल आज या कल दे विल बी द मोस्ट स्पेशल एंड द बेस्ट जोड़ी बिकॉज बहुत कुछ सिखाया उन्होंने एंड दे इंस्पायर। सो हाँ कुछ है कुछ दिनों से वी ऑल गोइंग थ्रू अ लिटिल इमोशनल जर्नी बट होपफुली वी हैव अ ग्रेट ग्रेट जर्नी और क्या होगा कैसे होगा टाइम मिल ही बता। जो भी होगा जैसा भी होगा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा और देख के आप लोग को अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या होगा और क्या होने वाला है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। Lot of suspense is gonna, well especially after tomorrow's episode, जैसे कल का एपिसोड आएगा उसके बाद से जो स्टोरी जो ट्विस्ट है वो काफ़ी बड़ा है एंड लेट्स होप के ओके कल का एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट है, तो आर यू गाइस एक्साइटेड और नर्वस क्योंकि फीडबैक जो ऑडियंस का आएगा उसको लेकर? या हम सुबह 6 बजे देखने वाले हैं, सुबह 6 बजे ही हॉटस्टार पर आने वाला है बिकॉज वी गोना शूट टिल 6 एनीवे, तो वो देख के ही हम सोने वाले हैं तो वो जो एपिसोड है बिकॉज दैट्स इट्स गोना बी वेरी ट्रिकी वन एज़ वेल, सो शैल वी ऑल गोना वॉच इट बिफोर स्लीप। और मैं खाली एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो नेक्स्ट फेज है कल से शुरू होगा उसके 3-4 पड़ाव हैं। मैंने हमेशा शिवांगी और मोहसिन को इस शो का स्टेक होल्डर माना, दे आर नॉट जस्ट एक्टर्स और जस्ट कैरेक्टर्स हुआ प्लेइंग, दे हैव इक्वल से जितना राजेश भाई का से है शो के अंदर उतना ही शिवांगी और मोहसिन का है, कार्तिक नायरा का है बिकॉज दे हैव वर्क हार्ड वॉज क्रिएटिंग दैट इक्विटी विद मी एंड डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन। सो बहुत सारी न्यूज़ आई कि मेरी नाराज़गी चल रही है शिवांगी से और कुछ इशू है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, टच वुड ऐसा कुछ भी नहीं ना होगा बिकॉज एक चीज़ जो मुझे बहुत आई थिंक वो हम्बल बनाती है, जो जितना ट्रस्ट एंड फेथ ये 4.5 साल में कल हुआ आज है और कल होगा भी, दैट अनकंडीशनल फेथ जब आपकी तरफ एक दो लोग देते हैं आज तक एक इंसिडेंट नहीं हुआ, गॉड नोज दैट एक इंसिडेंट नहीं हुआ इतने 4.5 साल में और 1226 एपिसोड्स की शिवांगी मोहसिन ने मुझसे एक बार पूछा, टफेस्ट काम करना होता है टफेस्ट डिसीशंस लेता हूँ इनके भी हाथ में, मैं वन थिंग जिन्होंने हमेशा मुझे बोला सर वी आर विद यू, सर आपको बोलने की जरूरत नहीं एंड आई एम टेलिंग यू स्टैंडिंग आउट हियर 4.5 ईयर्स में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे किसी भी कंडीशन की शूटिंग हो, चाहे कोई भी पड़ाव हो, शो का लीप हो, चेंज हो, ड्रामेटिक, आई एम टेलिंग यू 27 साल की मेरी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के अंदर, हर इंसान चाहे वो बिहाइंड द सीन हो चाहे वो एक्टर हो,
कहीं ना कहीं बहुत क्वेश्चंस करता है, ऐसा क्यों, क्यों नहीं, एंड आई हैव सीन एवरीबॉडी यू नो हाउ दे बिहेव. ये दो इंसानों ने जो मेरे पर फेथ रखा, दैट इज समथिंग आई ऑलवेज चेरिश ऑल माई लाइफ, एंड इट मेक्स मी वेरी वेरी इमोशनल. बट इट इज़ समथिंग इट इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, एंड आई नो आई विल नेवर, जब तक मेरे ये शो रहेगा, दे विल बी द मोस्ट स्पेशल फॉर मी, एंड इट विल ऑलवेज बी देयर, एंड थैंक यू सो सो मच. सर जैसा कि मतलब जब भी यू नो कार्तिक और नायरा मिलते हैं तो फैंस के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं. जब अभी नया प्रोमो आया जिसमें कहा गया कि विदाउट नायरा कार्तिक जाएगी, तो क्या लगता है कि मतलब क्या होने वाला, कि जोर का झटका लगने वाला, या फिर ये सिर्फ एक उनको यू नो एक झटका है लेकिन बहुत कुछ आगे है. बहुत कुछ आगे है, इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वॉच द जर्नी, बिकॉज ये जर्नी है ना, ये खाली एक हफ्ते की नहीं है, ये हर एक कड़ी है. जैसे हमने जब शो की कायरा की शुरुआत करी थी ऋषिकेश में, एग्जैक्टली वही हम चीज़ें रिक्रिएट कर रहे हैं. एक एक कड़ी जो चलेगी नेक्स्ट 1, 2, 3 डे, एक हफ्ता, दो हफ्ता, एंड वॉट विल गो ऑन टू द 3rd week इज समथिंग आई फील सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, मेरी पूरी टीम के लिए और शिवानी मौसी. आइडिया ऑफ कायरा डे टू सेलिब्रेट कायरा डे लाइक ये बहुत सारे आज आइडियाज मेरे सबके आए. एक तो आरिफ ने आज बोला कि सर, हाँ ये आइडिया आया आरिफ का, आरिफ शेख का. जब आरिफ ने बोला कि सर एक काम करते हैं, आज हम कायरा डे बनाते हैं एंड लेट्स मेक 6 जैन ऑलवेज अ वैलेंटाइंस डे होता है. डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन के लिए जिंदगी भर हमने अच्छे शोज करे हैं, आज कर रहे हैं और बनाएंगे ऊपर वाले की दुआ से, मगर 6 जैन हमारे लिए कायरा डे होगा, बिकॉज ये बेंचमार्क रहेगा हमारे लिए इन अ कंपनी की. ऐसे हार्ड वर्किंग एक्टर्स, इतने टैलेंटेड पीपल एंड गुड सोल्स, वो हमारे लिए बेंचमार्क रहेंगे फॉर अस. 6 जैन इज कायरा.